हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे सिंपैथी, क्लास 8th, लेसन 11। तो आइए पढ़ते हैं यह पाठ। सिंपैथी, सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। और ये सहानुभूति क्या है भाई? दूसरों के प्रति, दूसरों को देखकर, दूसरों के कष्टों को देखकर, दूसरों की कमियों को देखकर उनके लिए दुख प्रकट करना है ना, उनकी कमजोरियों को देखकर दुख प्रकट करना या मन में पीड़ा होना, यही क्या कहलाता है? सहानुभूति, सिंपैथी। इस लेसन में हम देख रहे हैं, इस पोयम में एक यहाँ पर लड़की बैठी हुई है और एक पक्षी है, तो दोनों के दोनों एक दूसरे के बारे में अपने विचार प्रकट कर रहे हैं जो यहाँ पर दिया गया है। तो आइए इस पोयम को हम पढ़ते हैं। अ प्लम लिटिल गर्ल एंड अ थिन लिटिल बर्ड वेयर आउट इन द मीडोज टुगेदर। हाउ कोल्ड दैट पुअर लिटिल बर्ड मस्ट बी विदाउट एनी क्लोथ्स लाइक माइन, शेड सी। Although it is sunshiny weather, a nice little girl is that, had said he, but oh, how cold she must be for sea. She hasn't a single feather, so each shivered to think of the other poor thing, although it was sunshiny weather. M. जॉनसन ने इसको लिखा है। आइए इसको समझते हैं। अ प्लम लिटिल गर्ल, प्लम यानी थोड़ी मोटी, लिटिल गर्ल एंड अ थिन लिटिल बर्ड, और एक छोटी नन्ही पक्षी यहाँ पर बैठी हुई है। वेयर आउट इन द मीडोज टुगेदर, दोनों के दोनों जो है आउट हुए थे, बाहर आए थे घास के मैदान में, मीडोज यानी घास के मैदान में, टुगेदर यानी साथ साथ। How cold that poor little bird must be? और ये लड़की सोच रही है कि how cold that poor little must be? इस जो छोटी सी जो ये नन्ही चिड़िया है, इस चिड़िया को कितनी ठंड लगी होगी। Without any clothes like mine, said she. यह जो लड़की है वह कहती है कि without any clothes, वह पक्षी है, उसके पास जो है कोई भी कपड़ा नहीं है, तो उसको जो है कितनी ठंड लगी होगी। Although it is sunshiny weather, जबकि यह जो है कड़ाके की धूप वाली मौसम है, समय है, फिर भी यह लड़की सोच रही है, खुद स्वेटर पहनी हुई, यानी ठंड का दिन है और धूप सेकती बैठी हुई है, तो ये लड़की सोच रही है इसके बारे में कि इस पक्षी के पास कोई भी कपड़े नहीं हैं, तो इस बेचारी पक्षी को कितना ठंड लग रहा होगा। तो इस पक्षी के बारे में इसके मन में जो है दर्द का अनुभव हो रहा है, उसके बारे में वो सोचने को विवश है, तो इसी को कहते हैं सहानुभूति। अब देखते हैं, अ नाइस लिटिल गर्ल इज दैट, सेड ही, बट ओह हाउ कोल्ड शी मस्ट बी फॉर सी। अब ये पक्षी जो है बोलता है, सेड ही, अ नाइस लिटिल गर्ल, एक सुंदर छोटी सी लड़की बैठी हुई है, बट परंतु ओह हाउ कोल्ड सी मस्ट बी, उसको कितना ठंड लग रहा होगा, फारसी देखो तो, शी हैजंट अ सिंगल फीदर, जबकि उसके पास कोई भी पंख नहीं है। तो पक्षी यह सोच रहा है कि जो लड़की है उसके पास एक भी पंख नहीं है, और पंख नहीं है तो इसको कितनी ठंड लग रही होगी, जबकि वहीं पर लड़की सोच रही थी कि पक्षी के पास कोई भी कपड़े नहीं है तो कितनी ठंड लग रही होगी। तो इस प्रकार एक दूसरे के प्रति दोनों के दोनों जो है सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। सो ईच सीवर्ड, सीवर का मतलब होता है कांपना, दोनों के दोनों कांप रहे हैं, डर रहे हैं एक दूसरे के प्रति कि उसको कितना ठंड का अनुभव हो रहा होगा, ऐसा दोनों के दोनों सोच रहे हैं। सो ईच यानी दोनों शिवर्ड टू थिंक ऑफ
द अदर पुअर थिंग, एक दूसरे की कमियों को लेकर, एल्दो इट वॉज सनशाइनी वेदर, जबकि यह दिन कैसा था, तो ये दिन जो है सनशाइनी था, यानी कि धूप वाला दिन था, धूप वाला मौसम था। तो इस प्रकार ये छोटा सा लेसन खत्म होता है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन साथियों ने अब तक एजुकेशन का अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।